गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम बढ़िया है। तो अभी ना टाइम हो गया है 10:30 और हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह कर दिया है एंड उसके ना हमने डायरेक्ट बाद लंच की तैयारी करना स्टार्ट कर दी है, क्योंकि आज जो है दी जा रहे हैं अपने वापिस अपने घर, तो इसलिए उनको जाना है 1 बजे के करीब निकल जाना है यहाँ से। तो हम लोग ना फटाफट से लंच की तैयारी वगैरह करने लग गए हैं एंड जो भी बनाते हैं बड़े पोल्टू जो उनके साथ देने होते हैं ना, वो सब कुछ ना किल्टी देते हैं हमारे ना, तो संभाल के ले जाते हैं। मीन्स इनके छोटे काका को फर्स्ट टाइम आया था ना, तो इसलिए लग गए हैं हम फटाफट से तैयारी करने। और मेरी ना दाल जल जाएगी आपसे बातें करते करते। चलो साथ में दाल बनाते हैं। तो ये जो है पनीर मैंने बना दिया है एंड आज बना रहे हैं हम मलके की दाल, क्योंकि मलका की जो दाल है ना ये सबकी फेवरेट है। तो आज सबको था कि आज ना मलका की दाल खानी है, काफ़ी टाइम से नहीं खाई, तो आज मैं बना रही हूँ कुकर में मलके की दाल। और मुझे ना पता नहीं क्या ही हो रहा है आजकल। कल हम मैं अनुज ना जैसे थोड़ा नीचे जो अनुज का शेड है वहाँ तक गए हुए थे, तो वहाँ से आने के बाद ना मतलब हमारे शाम को आई थिंक 6 बज गए थे, हमारे को 6 बज गए थे हमारे को आते आते। तो इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है ना आजकल, मतलब शाम के टाइम, तो मुझे ना एकदम से जुकाम सा लग गया। मुझे नाक में ना एलर्जी टाइप हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, और आइज़ में भी बता नहीं सकती, मतलब तकड़े वाला जुकाम ही लग रहा है मुझे तो आजकल। पता नहीं क्या ही हो रहा है, अभी जस्ट मैं पीछे बुखार से ठीक हुई थी, अब फिर से जुकाम लग गया। तो ये देखो दी वगैरह ना रेडी भी हो गए हैं और सामान वगैरह भी सारा निकाल दिया बाहर को। तो ये देखो दी तो रेडी भी हो गए हैं और ये लोग भी रेडी है, बस इन्होंने वार्मर पहने एंड इसके बाहर अपनी ड्रेसेस पहनेंगे। और ये देखो यहाँ पे इनकी ड्रेसेस निकाली है, अभी से ना ये गंदा कर लेंगे, इसीलिए दी ने कहा अभी नहीं पहनाना इन्हें। और ये दी ने अपना सारा सामान सुमून निकाल दिया बाहर को। अभी कैसे लग रहा है अभी आपको? बहुत बुरा लग रहा है, मैंने भाभी की खातिर यहाँ पे इतने दिन लगाए, वरना मैं इतने दिन कभी नहीं लगाती, एक हफ्ते के लिए आती। इसे कहते हैं प्यार असली वाला। हमें भी आज बहुत ज्यादा बुरा वाला फील होने वाला है। अब हम नहीं मिलेंगे आपको ब्लॉग में, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ टाइम के बाद मिल जाएंगे हम। अगर दी नहीं आएंगे तो हम जाएंगे दी से मिलने। अभी मैं आपको दिखाती हूँ पीछे ना मम्मी और बड़ी सास जो है बड़े बड़े एंड पोल्डू लगा रहे, तो चलो उनके पास चलते हैं अभी। और यू भी अपने नानू की गोदी नहीं छोड़ रहा है, बस अपने नानू की गोदी में चिपका हुआ है। ये देखो इसको, अगर इसको ना पापा नीचे रख रहे ना वैसे ही रोना स्टार्ट कर रहा है। आजा 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 मुझे कोई रिस्पांस नहीं करता। और यहाँ पर देखो ये बड़े बन रहे हैं, ये देखो इसमें पैकिंग भी हो गई है बड़े एंड पोल्डू की। अब इसको हम वैसे ढक के रख देंगे जैसे इसकी पैकिंग हुई थी। चल भाई ऐसे आजा, ऐसे ऐसे आजा। और ये देखो ये भी खत्म हो गया। अच्छा ये प्रियांशी एंड युविक हो गए हैं रेडी और इन्होंने देखो आज सेम ड्रेस पहनी हुई है। हेलो टाटा, फिर टाटा, बाय बाय। फिर ये देखो ये अपने बैग में लगी हुई है कुछ सामान पैक करने। हो गया आपका सामान पैक? चलो फिर बैठो जरा। देखो गाइज टक लो की लॉन्डी में तेल लगता हुआ है ना, लॉन्डी में। बस करो मारे खाएगा बेचारा ब्रून। टॉफी दो इसको, पकड़ ब्रून, आओ पढ़ा दो। दे दे दे, अरे बाल प्रिंस, बाल देख पीछे, क्यों चिल्लू क्यों चिपक रही बेटा, इसमें खराब हो जाएगी ड्रेस, वाइट ड्रेस पहनी हुई। बस खाएगा ये डरता वाला फूल। देखो चिंकी आ गया अब नया, यहाँ देखो कौन सा वाला, ये क्या कर रहे, क्या कर रहे, चुई चुई कहाँ कर रहे, चुई चुई आठ इंदी दे
फोर पकड़ू ये तब पैसे तो होना चाहिए इसके अंदर के लिए नहीं चाहिए बाय ठीक है अच्छा ओके फिर बाय बाय ओके बाय बाय ओके टाटा टाटा बाय आराम से जाना प्रियांशी बाय बाय पैसे तो देखती रहेगी तू बाय बाय ये तो कर रहा बाय बाय टाटा बाय। अब बाहर ना इतना खराब मौसम हुआ है कि लगता है कि कभी भी बर्फ गिर सकती है बट बारिश की हल्की हल्की सी बूंदे लग रही है बट बारिश हो नहीं रही बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ है बहुत ज़्यादा और मैं बैठ के टीवी देख रही हूँ एंड साथ में हीटर सेक रही हूँ और अनुज ना आग जला के बैठे हैं आग सेक रहे हैं आराम से और आज जैसे दी चले गए ना तो इतना अजीब लग रहा है ना ऐसे ना मतलब कि सुना सुना जैसा मतलब पता नहीं कैसे लग रहा है घर क्योंकि होते थे ना बच्चे मतलब चिल्लाने आवाज़ देने कुछ ना कुछ चला ही रहता था मतलब रोज़ का तो आज ऐसा कुछ भी नहीं है सब चुप चुप ही है तो थोड़ा अजीब लग रहा है आदत हो गई थी ना इतने टाइम से। अब मैंने आपको दिखाती हूँ बाहर मौसम लग रहा है कभी भी बारिश हो सकती है वो ये बर्फ लग रही है कि बारिश की बूंदे दिख रही है बर्फ लगना स्टार्ट हो गई है यहाँ पर हल्की हल्की सी वाह बर्फ लग गई बर्फ बर्फ अनुज को बोल के आती हुए अभी लाइट जलाते हुए लाइट जला दी है मैंने अब अनुज को बोलते हैं मुझे बर्फ लग गई चलो चलो अनुज बर्फ लग गई बर्फ बर्फ लग गई आ जाओ आओ बर्फ 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 देखो देखो स्नोफॉल हो गई वाह यार कल बारिश थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की पतली पतली सी है पर लग तो गई ना बल्ले बल्ले आप बोल रहे थे ऐसे अनुज पता क्या बोल रहे थे अभी बाहर ना मौसम ना बिल्कुल ठीक हो गया है साफ हो गया और जैसे मैं बाहर आई ना मम्मा वहां से आए मैंने देखा मुझे तो लाइट में से स्नोफॉल जैसे लग रही फिर मम्मा ने बोला हाँ स्नोफॉल हो गई है मोटी सी लग जा बाहर तो ना इतनी ज़्यादा ठंड थी हम फटाफट से आ गए अपनी किचन में और आराम से ना हीटर सेक रहे हैं बहुत ठंडा है यार यहाँ पे आग भी बुझ गई है थोड़ी सी जला तो लो यार आप जलाओ आग क्योंकि आप वहाँ से आग सेक रहे थे मैं यहाँ हीटर सेक रही थी ना तब मुझे बोलते मैं यहाँ आ जाता हूँ तेरे पास बैठना है और आग को वैसे ही छोड़ जा रहा हूँ बुझ भी रही है और बाहर से इतनी ठंड हुई है बाहर स्नोफॉल होनी स्टार्ट हो गई थोड़ी थोड़ी सी और अनुज को क्या मन हुआ अभी ये देखो फ्रूट आप मुझे कह रहे हैं कि थोड़ा सा ना फ्रूट चाट बना देते हैं और अभी खाना बन रहा है हमारा ब्लैक सॉल्ट ओके पहले आग जला दो ना जब मुझे आती भी नहीं है जलानी मुझे भी नहीं आती मुझे भी नहीं आती मैंने भी कब जलाई आग हम लेके चलते हैं अनुज के पास ब्लैक सॉल्ट सॉल्ट बोला भी नहीं जा रहा इतनी ठंड लग गई और इतना मुझे जुकाम हो जा रहा है आजकल पता नहीं क्यों ये ना आई थिंक इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जैसे क्लाइमेट थोड़ा डिफरेंट ही है ना हम वैसे लो हाइट में आते हैं तो इतनी ज़्यादा ठंड होती नहीं है यहाँ पे बहुत ठंड है और मैंने ना वैसे ही कपड़े पहने होते हैं जैसे मैंने अपने घर में नॉर्मल पहने होते हैं तो इस वजह से आई थिंक कपड़े ही नहीं है यहाँ पे इस वजह से ना मुझे एकदम से जुकाम हो जाता है आदत नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े ना मैं नहीं पहन सकती मुझे एकदम से ऐसे लगता है कि मतलब मेरी सांस रुकनी शुरू हो जाती है आग जलाते हैं फटाफट से पहले तो ये देखो यहाँ पे अनुज पहले यहाँ बैठे हुए थे अब आगे चले गए और आग बुझ गई यहाँ पे ये लो जी आग भी जली गई थोड़ी बहुत तो चलो हम साथ साथ में काम भी करते हैं अपने जो छिलके हैं उनको फेंक देते हैं बाहर गाय के लिए और अभी भी स्नोफॉल हो रही है गाइस आपको लाइट देखो वो देखो लाइट के पास जो आपको छोटे छोटे से दिख रहा है ना कुछ वो स्नोफॉल हो रही है और पार मंदिर में लग गई है पूजा मैंने अभी क्या किया एक चपाती का तीन बारी पका दिया पहले यहाँ रखी फिर अनुज को सब्जी दी
फिर मैं भूल गई कि मैंने चपाती पका ली। फिर मैंने दोबारा उन्होंने कहा कि और मुझे थोड़ी सी सब्जी दे दे। फिर मैंने तीसरी बार उसको पका दिया। वैसे हमारे पास पूरी है ना बहुत सारी बची है, बट हम थोड़ा सा इग्नोर ही कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा ऑयली ऑयली हो जाता है ना। वैसे ही थोड़ा सबको सर मतलब जुकाम, सबको तो नहीं मुझे, बट फिर अनुज भी कह रहा है कि नहीं मुझे भी नहीं खाना, मम्मी को भी। हाँ मम्मा को भी है, तो इसीलिए हम थोड़ा ज़्यादा ऑयली अवॉइड ही कर रहे हैं। फिर हमने सोचा चलो चपाती बनाते हैं। तो ये खाना हो गया रेडी, अब सबसे पहले मम्मा को देते हैं। मम्मा ने कहा है मुझे पनीर नहीं खाना, एंड मम्मा को देंगे। हरी सब्जी बनाई है मैंने, हरी सब्जी निकाल कर मम्मा के लिए। हम भी कर लेते हैं डिनर। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आप देख रहे होंगे कि क्या कर रही है सुबह सुबह झाड़ू से। आज क्या हुआ ना, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह कर दिया है, एंड अभी ना हम आ गए सीधा सफाई करने। काफ़ी टाइम हो गया था ना हम लोगों से सफाई नहीं हो पा रही थी प्रॉपरली। जो नीचे वाले फ्लोर्स में हम जहाँ रहते हैं ना, वहीं पर ही सफाई हो पा रही थी एंड किचन की। जो ये ऊपर वाले फ्लोर्स हैं इनमें आ ही नहीं पा रहे थे, वक्त ही नहीं लग रहा था, इतने ज़्यादा बिजी थे। तो हमने सोचा चलो आज थोड़ा सफाई करते हैं, इसीलिए झाड़ू अभियान स्टार्ट किया है। थोड़ा झाड़ू वगैरह देते हैं, थोड़ा हल्का बहुत पोछा वगैरह लगाते हैं। तो चलो काम करना स्टार्ट करते हैं, बातें तो होती रहेगी साथ साथ में। हम लोग मतलब बाकी सारे रूम से जो है फ्री हो गया, हॉल वगैरह की सफाई हमने कर दी है, एंड अभी पहुंच गए हम रूम पे, मतलब अदर रूम पे सफाई करने। उफ, मैं तो थक गई हूँ, मुझे तो प्यास लगना स्टार्ट हो गई। अब बस अब हमें यही रूम रह गया, बाहर से थोड़ा थोड़ा मतलब जहाँ पे सोफे वगैरह होते हैं बस वो रह गया, वहां से सीधा सीधा हम चले जाएंगे बाहर को। अभी ना मुझे नीचे इतने सारे कपड़े फोल्ड करने के लिए, इतने सारे, सो दिखाऊंगी मैं आपको जब कपड़े फोल्ड करने जाऊंगी, दुनिया भर के कपड़े, और आज धोने को भी अभी कपड़े। तो अभी ना हमारा थोड़ा बहुत काम जो है मतलब हो गया है ख़त्म, एंड बस मैंने कपड़े धोए थे, सुखाने को डाले हैं मेरा, कि थोड़ा शाम तक ना सूख जाए, बस सूख ही जाएंगे। एक तो इतनी तेज़ हवा लगी होती है ना आजकल, ऐसे उड़ जाते हैं ना कपड़े बड़ी मुश्किल से। और जहाँ पे हमने लगाई हुई ना इनको रखने के लिए तारे, वहाँ पे थोड़ा सा ठंडा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डाले हुए सारे कपड़े। तो ओके गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।